बिल्कुल खतरनाक रिजल्ट आने वाला है। कांग्रेस को भी आने वाला है। कांग्रेस के जो साथ मिली जुली सरकार है, जो अपनी अपनी जगहों में बैठ के मजे कर रहे, देख रहे टीवी पे, मगर पब्लिक के पास आ रहे नहीं। वोट मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए आए थे गली गलिया पे। एमपी साहब, एमएलए साहब, कॉरपोरेटर साहब सब आए थे। आज अपने घरों में एसी में बैठ के पब्लिक का तमाशा देख रहे। रेवंत रेड्डी कंप्लीटली कांग्रेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है यहाँ तेलंगाना में। हमने खुद ने जाकर के कांग्रेस को वोट दिया। हम इसको नहीं जानते, रेवंत रेड्डी, ये खुद लैंड ग्रैबर है, इसका पास रिकॉर्ड निकालो आप। हम जाके सिर्फ राहुल गांधी की चेहरे से वोट दिए। के पास क्या डॉक्यूमेंट है सर, बताइए। तो सर हमको हाइड्रा से आया है डॉक्यूमेंट, वो ऑनलाइन फोन में बता रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैप है, उस पर रेड लाइन करके। इसके बैकग्राउंड में क्या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वो कुछ नहीं है, जस्ट मना राज्यम। आज डिफेंस कॉलोनी लंगर हाउस में बलदिया की तरफ से, जीएचएमसी की तरफ से लोग आकर के यहाँ पर मार्किंग करके गए हैं। यहाँ पर सर्वे नंबर 71 लगता है, और सर्वे नंबर 71 इज़ ए लीगल सर्वे। इसमें गवर्नमेंट का एनक्रोचमेंट कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि इल्लीगल प्रॉपर्टीज़, जो इल्लीगल सर्वेज है, उनको जो एनक्रोच किया उनको डिमोलिश करेंगे। बट सर्वे नंबर 71 कम्प्लीटली लीगल सर्वे है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग रजिस्ट्री करवाए, असिसमेंट करवाए, टैक्स पे कर रहे, लाइट है, नल है, सारा फैसिलिटीज है, फिर भी यहाँ पे आकर के गवर्नमेंट लोग बोल रहे हैं कि ये बफर जोन नहीं, ये एफटीएल लैंड है। अभी एफटीएल लैंड का मेजरमेंट कौन कर रहा, कहाँ से कैसा स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है, वो सर्वे किया सो कौन सा ऑथेंटिक डेटा है नहीं है, किसको पता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत ख़राब है, उनका इंटेंशन गरीब लोगों को टारगेट करना है। रेवंत रेड्डी का बड़ा भाई, वो जा करके कोर्ट से स्टे ला लिया, वो अपने भाई को बोल दिया स्टे ला लो, हम मिडिल क्लास गरीब फैमिलीज है, स्टे नहीं ला सकते, तो इनको टारगेट करो, इनको आके डिमोलिश करो। ये बहुत गलत हो रहा है। हम कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी से अपील कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी कंप्लीटली कांग्रेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है यहाँ तेलंगाना में। ये गरीब लोगों को परेशान करके पूरा जो है कांग्रेस का वोट ख़त्म कर रहा है। हमने खुद ने जा करके कांग्रेस को वोट दिया। हम इसको नहीं जानते, रेवंत रेड्डी, ये खुद लैंड ग्रैबर है, इसका पास रिकॉर्ड निकालो आप। हम जाके सिर्फ राहुल गांधी की चेहरे से वोट दिए। अभी हमको प्रॉब्लम में डाल रहा है ये राहुल, रेवंत रेड्डी यहाँ पर। अभी सारा लेआउट बोल रहे हैं कि यहाँ पर इल्लीगल है। इल्लीगल कैसा है, प्रूफ करो, डॉक्यूमेंट लेके आओ। ऑफिसर से मैं पूछा, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है सर, बताइए। तो सर हमको हाइड्रा से आया है डॉक्यूमेंट, वो ऑनलाइन फोन में बता रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैप है, उस पर रेड लाइन करके। इसके बैकग्राउंड में क्या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वो कुछ नहीं है, जस्ट मना राज्यम। आके डिक्टेटरशिप कर रहे हैं यहाँ पे, डिमोलिश करके जा रहे, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी का। पुलिस को लेके आ रहे, फोर्स से डरा रहे, डरा के जो है ये लगा के जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसी तरह के जब जो है कांग्रेस गवर्नमेंट करे, तब आने वाले समय में जीएचएमसी इलेक्शन थे, तो उसमें पब्लिक का रुझान क्या होगा? बिल्कुल खतरनाक रिजल्ट आने वाला है। कांग्रेस को भी आने वाला है। कांग्रेस के जो साथ मिली जुली सरकार है, जो अपनी अपनी जगहों में बैठ के मजे कर रहे, देख रहे टीवी पे, मगर पब्लिक के पास आ रहे नहीं। वोट मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए आए थे गली गलिया पे। एमपी साहब, एमएलए साहब, कॉरपोरेटर साहब सब आए थे। आज अपने घरों में एसी में बैठ के पब्लिक का तमाशा देख रहे, और कुछ भी नहीं है। इनको बहुत भयानक नतीजे मिलने वाले हैं, कांग्रेस को और उनके साथ में जो मिलके कर रहे हैं। सवाल, आप लोग कितने साल से? सर ये मैं बताता हूँ आपको, 84 से मेरे पास लिंक डॉक्यूमेंट है, 1984, 40 ईयर्स का लिंक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ये 25 साल से है। तो पहले जो हुकूमत थी बीआरएस, उसके तरफ से आपको कोई परेशानी हुई थी, वो लोग आए थे यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं? कभी ऐसा नहीं हुआ। एक बार लोअर बेड में आए थे, पीछे बिल्कुल लोअर बेड में, बताए थे कि वो जो कच्चा रास्ता है इसको सीधा करेंगे, मूसी डेवलपमेंट प्लान करेंगे बोल के बताए थे। बट यहाँ पर कोई डिमोलिशन का किसी को कोई नोटिस नहीं था, पहले 40 सालों में कभी नहीं हुआ। एफटीएल बोल रहे, इतना फ्लड्स आया, हैदराबाद पूरा फ्लड हो गया, कभी एक फिट वाटर यहाँ पे नहीं रुका, वाटर लॉगिंग होता ही नहीं यहाँ पे। क्या लेवल से एफटीएल है, कौन डिसाइड कर रहा है एफटीएल है, क्या प्रूफ है उनके पास, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट क्या है, कौन सा लेआउट है, बताओ आप कब सर्वे किए, सर्वे का डॉक्यूमेंट दियो, कुछ नहीं दे रहे, मर्जी आए जैसा डिमोलिश करके चले आ। ये कम्प्लीटली लीगल है,
प्रॉपर्टीज बट इलीगल बता करके, क्योंकि इलीगल वर्ड यूज कर रहे हैं, इलीगल प्रूफ करो कहाँ पे, नहीं कर रहे वो लोग। इसमें आप लोग कुछ कोर्ट से हुए कुछ पब्लिक आपके साथ के, मतलब आजू बाजू वाले कोर्ट से कोई रिव्यू हुआ? अभी तक हमको कोई नोटिस नहीं मिला इनके पास से। जब हमको नोटिस मिलेगा डेफिनेटली वी विल गो टू द कोर्ट। पॉलिटिकल सपोर्ट दे आर एंजॉयिंग इन देयर हॉल्स एंड ड्राइंग रूम्स इन एसीस। नो पॉलिटिकल सपोर्ट, नो लीडर हैज कम टू दिस प्लेस। ओपोजिशन लीडर भी कोई नहीं आया। हम सब पब्लिक यहाँ पे परेशान है, जनता परेशान है, उधर से उधर भाग रही है। बट कोई कॉल्स भी कर रहे हैं एमएलए को यहाँ के कुछ लोग, बट उन्होंने अभी आ रहा हूँ, वही जो चंद्रबाबू नायडू साहब थे चेस्ता चुस्ता वही है उनका, देखता हूँ करता हूँ बोल के बोल रहे हैं। अभी तक कोई प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे हमारी। यहाँ पर सारे जो डिफेंस कॉलोनी के लोग हैं, ये लोग तहे दिल से केसीआर साहब से और केटीआर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस इशू को आप लोग उठाए, क्योंकि अभी हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे। और इनफैक्ट हम कांग्रेस हाई कमांड जो राहुल गांधी सर है उनको भी बोल रहे हैं कि आप भी इंटरवेन करें, एक दिन ऐसा ना हो कि कांग्रेस का नामो निशान ना रहे यहाँ पे। तो प्लीज़ केटीआर साहब, केसीआर साहब, प्लीज़ हमको हेल्प करिए, हमको इस परेशानी से निकालिए।